तो यही है पूरा सारा चीज एप्लीकेशन। अभी चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉक पार्ट एंड डिजाइन पार्ट समझा देता हूँ। तो ये है मेरा एप्लीकेशन, आप लोग देख सकते हैं इसका डिजाइन। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 स्क्रीन को यूज किया है ये वाला एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 एंड स्क्रीन 3, टोटल 3 स्क्रीन है। एंड सभी अभी आप लोगों को स्क्रीन 1 का डिजाइन का जो पार्ट है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है एंड उसके अंदर मैंने एक लिस्ट व्यू लिया है। एंड लिस्ट व्यू का जो सेटिंग है, लिस्ट व्यू का कलर मैंने रखा है यहाँ पे पिंक। एंड नीचे मैंने लिया है यहाँ पे एक एडमॉप का बैनर। एंड उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक साइड बार का कॉम्पोनेंट लिया है। एंड उसके नीचे मैंने दो यहाँ पे स्प्रेडशीट कॉम्पोनेंट लिया है। तो पहला वाला जो स्प्रेडशीट कॉम्पोनेंट है वो हम लोगों का कैटेगरी टेबल का जो भी API की एंड बेस ID है वो हम लोगों का यहाँ पे फिलअप है। तो यहाँ पे सारा स्प्रेडशीट का जो बेस ID है एंड API की होगा सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया था ये हम लोग का कैटेगरी टेबल नेम का टेबल नेम जो कैटेगरीज है तो वो चीज मैंने यहाँ पे दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि टेबल नेम में मैंने रखा है यहाँ पे कैटेगरीज। एंड दूसरा वाला जो हम लोग का यहाँ पे स्प्रेडशीट है, यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी टेबल नेम नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे मैं टेबल नेम को डायनामिकली चेंज कर रहा हूँ। जो भी हम लोग का कैटेगरी सिलेक्ट होगा उसी कैटेगरी नेम से, इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरी है। एंड इधर देखिए बाकी टेबल का जो नेम है वो हम लोग का कैटेगरी नेम से यहाँ पे क्रिएटेड है। तो जो भी वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला टेबल नेम यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे डायनामिकली। तो ये चीज मैं आप लोगों को ब्लॉक पार्ट पे दिखा देता हूँ। नीचे मैंने शेयरिंग कंपोनेंट लिया है, एक एक्टिविटी स्टार्टर कंपोनेंट लिया है एंड साथ ही साथ पैकेज जो कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है। अभी चलिए ब्लॉक पार्ट पे चलते हैं एंड इसका डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन इनिशियलाइज़ में मैंने सबसे पहले क्या किया, एडमॉप का बैनर ऐड को लोड किया। उसके बाद जो मैंने साइड मेनू का लेआउट था, जो स्टैटिक हम लोगों का ऑप्शन था तो सारा स्टैटिक ऑप्शन मैंने ऐड किया, जैसे कि एग्जिट वाला बटन आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद बुकमार्क वाला, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं शेयर वाला बटन एंड हम लोग का लास्ट में रेटर्स वाला बटन। एंड उसके बाद देखिए इसका जो ग्रुप देखिए यहाँ पे ग्रुप मैंने रखा है 1। एंड अभी उसके बाद मैंने क्या किया, हम लोग का जो कैटेगरीज बोल के सीट था उससे मैंने टाइटल लिस्ट को कॉल किया। एंड उसके नीचे मैंने देखिए सेट गेट सेल वाला वैल्यू को कॉल किया रो नंबर 1 से। तो रो नंबर 1 से हम लोगों का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे देखिए, तो कैटेगरी टेबल है एंड इसका रो 1 में हम लोगों का जो भी वैल्यू रहेगा सेल के अंदर, तो इसको ओपन होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो बहुत सारा लिस्ट है एंड इसके रो 1 में देखिए जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हम लोगों का जाएगा रो 1 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गेट सेल से। एंड अभी देखिए हम लोगों का जब कैटेगरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है तब मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए जब कैटेगरी लिस्ट गॉट वैल्यू तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फॉर ईच लूप वाला यहाँ पे मैंने लूप लिया है, फॉर ईच आइटम इन द लूप। एंड उसके अंदर मैंने देखिए क्या किया, उसके अंदर मैं यहाँ पे डायनेमिकली जो हमने हम लोगों का साइड मेनू था उसके अंदर मैं यहाँ पे ऑप्शन को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइटल में मैंने गेट आइटम को सिलेक्ट किया है एंड उसके नीचे इमेजेस में मैं स्टैटिक इमेज यहाँ पे सेट कर दिया है। एंड 11 मैंने यहाँ पे देखिए इनेबल को फॉल्स ट्रू रखा है एंड चेक को मैंने फॉल्स रखा है। एंड यहाँ पे ग्रुप देखिए, ग्रुप मैंने यहाँ पे ट्रू रखा है ताकि इन दोनों ऑप्शन के बीच में एक गैप गैप क्रिएट हो जाए, जैसे आप लोगों को दिख रहा था वहां पे उस एक गैप क्रिएट हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वाला चीज किया है। एंड अभी देखिए हम लोगों का जब गेट सेल मिल जाता है, मतलब हम लोगों का रो 1 का जब वैल्यू मिल जाता है तब मैंने क्या किया, उस वैल्यू को मैंने सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाला वैल्यू को सेट कर दिया है। उसके नीचे हम लोगों का जो स्क्रीन 1 का टेबल नेम है, हम लोगों का सबसे पहले टेबल नेम को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। टेबल नेम देखिए यहाँ पे हम लोगों का स्प्रेडशीट का टेबल नेम है, उसका टेबल नेम को मैंने डायनामिकली यहाँ पे चेंज किया। एंड उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन का जो टाइटल है सब टाइटल को भी मैंने यहाँ पे चेंज किया सब टाइटल को। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, गेट कॉलम को मैंने कॉल किया यहाँ पे, गेट कॉलम को मतलब कॉलम का जो सारा लिस्ट होगा वो मैं सारा लिस्ट को यहाँ पे मैंने उसके बाद कॉल किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम नेम डाला है हम लोगों का, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला है टेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों का सारा जो कॉलम नेम है वो टेक्स्ट है। एंड उसके बाद देखिए जब हम लोगों का आइटम सिले मतलब वैल्यू मिल जाता है सारा कॉलम लिस्ट, तो जो मैंने लिस्ट व्यू लिया था उसका एलिमेंट्स में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू हम लोग का आ रहा था एलिमेंट के अंदर सेट हो जा रहा है। एंड अभी देखिए साउ इट मेनू जब हम लोग पिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इफ कंडीशन अलग से नहीं लिया, मैंने एल्स इफ कंडीशन लिया
क्योंकि ये चीज मैंने क्या किया, मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो देखिए पहले हम लोगों का एग्जिट बटन के लिए मैंने सिंपल क्लोज स्क्रीन किया, उसके बाद देखिए मैंने बुकमार्क के लिए स्क्रीन थ्री पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट वाला ऑप्शन को किया, एंड शेयरिंग के लिए मैंने सिंपल शेयरिंग मैसेज वाला ऑप्शन ब्लॉक को यूज किया, एंड मैसेज में मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो यूआरएल आप लोगों को दिख रहा है ये हम लोगों का प्ले स्टोर का एप्लीकेशन का डिफॉल्ट यूआरएल होता है। तो इसके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बोल चुका था। तो ये वाला यूआरएल के साथ सिंपल मैं पैकेज नेम को ऐड कर रहा हूँ इक्वल साइन के बाद, एंड उसको सेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद देखिए जब हम लोगों का रेटर्स वाला बटन प्रेस होता है या फिर ऑप्शन प्रेस होता है, तो मैं एक्टिविटी स्टार्टर का एक्टिविटी एक्शन सेट कर रहा हूँ android.intent.action.view, एंड उसके साथ ही मैं डेटा यूआरआई में सेम यूआरएल डाला। एंड उसके नीचे अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सारा चीज को देखिए if else कंडीशन में रखा, ताकि क्योंकि यहाँ पे मैंने डायनेमिकली जो है मैंने यहाँ पे कैटेगरी ऐड किया, तो जो जो स्टैटिक कैटेगरी है जैसे कि हम लोगों का एग्जिट वाला बटन, शेयर वाला बटन, अबाउट अस वाला बटन, तो उन सभी के लिए मैंने इफ एल्स कंडीशन रखा। एंड जो हम लोगों का बाकी बटन होगा मतलब कैटेगरी बटन होगा वो हम लोगों का जाएगा एल्स पार्ट पे। तो देखिए एल्स पार्ट पे मैंने क्या किया, एल्स पार्ट पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे सिंपल मैंने वेरिएबल जो लिया था यहाँ पे नीचे, तो उस वेरिएबल का अंदर मैं वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, जो भी हम लोगों का टाइटल सिलेक्ट होगा या फिर आप लोग बोल सकते हैं कैटेगरी नेम सिलेक्ट होगा। एंड साथ ही साथ मैं सिमिलरली जैसे वहां पे मैं सीट का टेबल नेम चेंज किया था, यहाँ पे टेबल नेम भी चेंज किया, एंड हम लोगों का स्क्रीन वन का यहाँ पे सब टाइटल भी मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो इधर जो चीज मैंने किया था, साइड करते थोड़ा स्लाइड हो जाए स्लाइड, तो देखिए इधर जो चीज मैंने किया तो सेम टू सेम चीज मैंने इधर भी किया हम लोगों का कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद एल्स पार्ट पे, ताकि हम लोगों का जो भी कैटेगरी चेंज हो तो ऑटोमेटिकली सारा चीज फिर से रिपीट हो, फिर से सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने कैटेगरी, एंड यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जब हम लोगों का लिस्ट आइटम पीक होता है तब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रीन टू पे मैंने मल्टीपल वैल्यू भेज रहा हूँ। तो मल्टीपल वैल्यू मैंने कैसे भेजा, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना लिया है मेके लिस्ट ब्लॉक को लेके, तो लिस्ट वन का इंडेक्स वन पे मैं भेज रहा हूँ हम लोगों का कैटेगरी नेम मतलब हम लोगों का टेबल नेम भी आप बोल सकते हैं, एंड अभी उसका जो सेकंड वैल्यू है सेकंड वैल्यू में भेज रहा हूँ लिस्ट टू का इंडेक्स नंबर या फिर आप बोल सकते हैं मैं रो नंबर को भेज रहा हूँ, इसको हम लोग मेनली रो नंबर को भेज रहा हूँ ताकि हम लोग उसी एग्जैक्ट रो से वैल्यू को सेकंड स्क्रीन पे कॉल कर पाए। अब चलिए सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सेकंड स्क्रीन पे आ गए, अभी इसका डिजाइन पार्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर मैंने दो बटन लिया है, एक है प्रीवियस वाला बटन एंड दूसरा है हम लोगों का नेक्स्ट वाला बटन, एंड उसके नीचे मैंने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट है, एंड वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक और वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, लेकिन ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसका जो इस कार्ड था उसको मैंने इनेबल रखा ताकि एक कार्ड व्यू जैसे इंटरफेस मिले, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट रखा है, एंड इसके अंदर मैंने एक लेवल लिया है, तो ये वाला जो लेवल है इसके अंदर ही हम लोगों का सारा साइड शो होता है। इसका फॉन्ट साइज देखिए मैंने 25 रखा है, अभी टेक्स्ट ब्लैंक रखा, एंड अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो लेवल है पूरा मैंने इसका हाइट पूरा कवर कर रखा है। अभी इसके नीचे मैंने एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है, तो एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर जो भी बटन दिख रहा है वो सारा बटन मैंने लेवल से क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे कोई भी बटन यूज नहीं किया, सारा चीज मैंने लेवल से किया है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस लिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेस के बाद मैंने एक लेवल लिया है शेयर बोल के, एंड इसका देखिए मैंने फॉन्ट टाइप पेस लगा है मटेरियल आइकॉन, ताकि हम लोगों का मटेरियल आइकॉन का जो आइकॉन है उस आइकॉन को हम लोग रिट्रीव कर पाए। तो एंड यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में रखा है शेयर, ताकि शेयर का जो भी आइकॉन होगा वो आइकॉन यहाँ पे शो हो जाए हम लोगों के लेवल पे। एंड इसको देखिए मैंने क्लिकेबल को एनेबल रखा है, तो जितना भी यहाँ पे आप लोगों को लेवल दिख रहा है इस वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर, तो सारा लेवल का क्लिकेबल को मैंने एनेबल रखा है। एंड यहाँ पे देखिए जो मैंने स्पेसेस लिया है सारा स्पेसेस का विद मैंने फिल पैनल रखा है, एंड अभी जो दूसरा लेवल है उसका भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फॉन्ट टाइप पेस रखा है क्या, एंड उसका आप लोग देख सकते हैं कि साइज मैंने क्या रखा है, एंड उसका देखिए टेक्स्ट मैंने रखा है कॉपीराइट, तो मुझे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का आइकॉन नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने कॉपीराइट का आइकॉन यहाँ पे यूज कर दिया है। तो आप लोग अपने मुताबिक आइकॉन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद जो हम लोगों का आखिर वाला लेवल है एंड हम लोगों का बुकमार्क वाला लेवल, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट रखा है बुकमार्क, एंड इसका भी बुकमार्क जैसा जो आइकॉन था वो हम लोग यहाँ पे शो होगा। नीचे हम लोग का एडमॉप का कंपोनेंट है, बैनर कंपोनेंट आप लोग देख सकते हैं, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे शेयरिंग कंपोनेंट लिया, हम लोग का डिवाइस टूल कंपोनेंट लिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऑप्शन के लिए, एंड उसके साथ टाइनी डीबी लिया है बुकमार्क को स्टोर करने के लिए, तो जो भी बुकमार्क होगा वो हम लोग का सारा कुछ सब कुछ स्टोर होगा टाइनी डीबी के अंदर, एंड एक नोटिफायर कंपोनेंट मैंने आखिर में यहाँ पे लिया है। तो अभी चलिए इसका ब्लॉक पार्ट आप लोगों को समझा देता हूँ।
तो यहाँ पे ब्लॉक पार्ट पे देखिए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, एक है काउंट वाला वेरिएबल जिसके इनिशियल वैल्यू मैंने रखा है, दूसरा है हम लोग का मैक्स वाला वेरिएबल, तो इसका भी इनिशियल वैल्यू रखा है जीरो। तो ये वाला वेरिएबल मैंने इसलिए रखा ताकि मैंने मैक्सिमम जो हम लोगों का लिस्ट के अंदर कॉलम का लिस्ट होगा तो कितना साइज स्टोर है उस टेबल के अंदर उसको काउंट करने के लिए मैं इसको किया है। तो इसका यूज मैंने क्या किया वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा जब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट वाला एंड प्रीवियस वाला बटन को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को इसका यूजेस मालूम पड़ जाएगा। एंड अभी देखिए यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज पे मैंने क्या किया, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन का टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। तो स्क्रीन का टाइटल हम लोग किससे चेंज कर रहा हूँ, तो स्क्रीन टू से मैंने मल्टीवेल वैल्यू को भेजा था, तो इंडेक्स वन पे हम लोगों का था कैटेगरी नेम या फिर आप लोग बोल सकते हैं टेबल नेम, तो वो वाला टेबल नेम मैं सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे टाइटल पे, हम लोगों का स्क्रीन टू का टाइटल में सेट कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद देखिए मैं एडमॉप का बैनर ऐड को लोड किया, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेबल नेम को डायनामिकली चेंज किया, तो यहाँ पे भी मैं हम लोगों का टेबल नेम भी जो मैंने ऊपर सीट नेम टाइटल चेंज किया तो सेम टू सेम चीज मैं यहाँ पे किया। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो वेरिएबल लिया था काउंट बोल के, तो इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, तो हम लोग इंडेक्स टू पे भेज रहे थे रो नंबर या फिर आप लोग बोल सकते हैं इंडेक्स नंबर, तो वो नंबर हम लोग स्टोर कर रहे हैं काउंट वेरिएबल के अंदर। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्प्रेडशीट वन से यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे गेट सेल वाला वैल्यू एक्सेट वैल्यू को कॉल किया यहाँ पे, एंड उसके उसका वैल्यू जब हम लोगों को मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, तो मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इस वाला टेबल सेट किया था कैटेगरी में, एंड उसका मैंने सिलेक्ट किया था नंबर फाइव वाला रो, तो नंबर फाइव रो का जो भी वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बॉट कॉलम लिस्ट को कॉल किया, लेकिन ये वाला कॉलम लिस्ट हमने से कॉल किया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो जानने के लिए, ताकि वो हम लोग काउंट कर पाए जो मैक्स वाला मैंने वेरिएबल लिया था उसके अंदर ये वाला चीज हम लोग स्टोर करने वाले हैं। एंड ये जो सारा चीज है मैक्स वाला चीज ये मैंने इसलिए किया ताकि हम लोगों का जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट वाला बटन प्रेस होता है उसमें कोई भी एरर ना आए, क्योंकि अगर मेरा एलिमेंट रहा 10 एंड मैं कॉल कर रहा हूँ नंबर 12 से तो एरर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है तो मैं इसका लेंथ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेंथ क्या है, एंड उसको मैंने मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मैक्स वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। एंड जब हम लोगों का गॉड सेल मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए जो मैंने लेवल लिया था, तो सिंपल मैं लेवल वन का टेस्ट को चेंज कर रहा हूँ हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू से, तो हम लोगों का लेवल वन पे सारा साइडी प्रिंट हो जाएगा वो डिस्प्ले करेगा। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो हम लोगों का नेक्स्ट बटा बटन है तो इसके अंदर ही मेरा पूरा सारा चीज है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का ग्लोबल काउंट रहेगा, तो ग्लोबल काउंट का इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगा अगर वो हम लोगों का मैक्स वैल्यू से छोटा रहा, तब मैक्स वैल्यू से छोटा रहा इसलिए किया ताकि कोई एरर ना आए, क्योंकि अगर हम लोगों का एलिमेंट होगा 10 एंड हम लोग कॉल करेंगे 12 तो हम लोगों को एरर शो करेगा, तो इसलिए मैंने ये वाला कंडीशन रखा। एंड इसके अंदर अभी आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल काउंट का वैल्यू को मैं प्लस 1 करके इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग का नेक्स्ट वाला बटन प्रेस हो, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर 5 रो से कॉल कर रहा हूँ तो प्लस 1 होकर हो जाएगा नंबर 6, तो नंबर 6 के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा तब वो वाला वैल्यू हम लोगों का शो करेगा। तो ऐसे करके मैं नेक्स्ट बटन से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंट का वैल्यू को। एंड देखिए मैं सिमिलर प्रोसेस से काउंट प्रोसेस से मैं वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ जैसे मैंने इधर किया था, लेकिन अभी इधर हम लोगों का काउंट के अंदर वैल्यू नहीं रहेगा 5, अभी हो जाएगा 6। एंड ये जो प्रोसेस हुआ था यहाँ पे लेवल पे, तो ऐसा सेम टू सेम प्रोसेस फिर से होगा एंड ऑटोमेटिकली हम लोगों का इधर बाकी नेक्स्ट का जो भी वैल्यू रहेगा शो कर जाएगा। अभी देखिए प्रीवियस वाला बटन में मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने चेक किया अगर हम लोगों का काउंट का वैल्यू 1 से ऊपर हो, क्योंकि हम लोगों का रो का वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके इसको डिक्रीज कर रहा हूँ हम लोगों का काउंट वेरिएबल का वैल्यू को, ताकि हम लोगों का पहला वाला रो का वैल्यू मिल जाए, तो इसलिए मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ। एंड इसको मैं चेक कर रहा हूँ अगर 1 से बड़ा हो तभी ये वाला चीज काम करे ताकि कोई भी एरर ना आए। एंड अभी यहाँ पे देखिए मैं इसको डिक्रीज किया यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं सिमिलर प्रोसेस जैसे ऊपर किया था यहाँ पे, तो सिमिलर प्रोसेस मैंने किया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का पहले कॉल हो रहा था नंबर 5 से, अभी कॉल होगा नंबर 4 से मान लीजिए, क्योंकि ये काउंट माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस होके हम लोगों का नंबर 4 हो जाएगा, तो नंबर 4 में जो भी हम लोगों का वैल्यू रहेगा साइड के अंदर तो वाला वैल्यू हम लोगों का फिर से इधर शो करेगा डिस्प्ले के अंदर लेवल के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पे जब हम लोगों का कॉपी वाला हम लोगों का लेवल प्रेस होता है, बटन नहीं कहूंगा,
तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉपी टू क्लिप वाला यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया है ब्लॉक डिवाइस टूल से, एंड यहाँ पे जो टोस्ट मैसेज है वो शो नहीं होता मेक्रॉइड में, तो इसलिए मुझे अलग से नोटिफायर में अलर्ट शो करना पड़ा कि टेक्स्ट कॉपीड बोल के, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं था अगर टोस्ट मैसेज शो हो जाता। तो यहाँ पे नीचे देखिए जो हम लोगों का कॉपी वाला बटन है, सॉरी कॉपी वाला नहीं, ये जो हम लोगों का शेयर वाला बटन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया शेयर मैसेज वाला ब्लॉक लिया, एंड मैसेज में मैंने क्या शेयर किया लेवल वन का जो भी टेक्स्ट आएगा वो शेयर हो जाएगा हम लोगों का मैसेज वन में। एंड अभी देखिए मैंने ये चीज आप लोगों को समझना है बुकमार्क वाला ऑप्शन, तो मैंने बुकमार्क के लिए एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया बुकमार्क बोल के आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब मेरा यहाँ पे बुकमार्क वाला लेवल क्लिक होता है, तो यहाँ पे देखिए बुकमार्क वाला लेवल जब मैंने क्लिक होता है तब मैंने क्या कर रहा हूँ, जो मैं वेरिएबल लिया था ऊपर आप लोग देख सकते हैं बुकमार्क बोल के मैंने जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर मैं टाइनी डीबी के बुक टैग से वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। तो अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो वहां पे मैं वैल्यू इफ वैल्यू नॉट अवेलेबल में देखिए मैंने रखा है क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि मैं इसमें लिस्ट के अंदर सारा चीज को स्टोर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप एम्प्टी लिस्ट नहीं रहते तो पहले टाइम में आपको एरर आ जाएगा क्योंकि वो एज ए लिस्ट नहीं होगा, एज ए तब स्ट्रिंग डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट एम्प्टी लिस्ट डालना है ताकि जब आपका कोई भी वैल्यू ना रहे तो एज ए एम्प्टी लिस्ट की तरह वो ट्रीट हो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने क्या किया एड आइटम टू द लिस्ट, तो ऊपर जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था तो उसके अंदर मैं सबसे पहले सारा टाइनी डीबी से वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, एंड उसके बाद हम लोग उसके साथ न्यू आइटम को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो लेवल वन का टेस्ट को मैं यहाँ पे ऐड किया एंड फिर से मैंने उसको टाइनी डीबी के अंदर स्टोर किया। तो ऐसे हम लोगों का क्या हो रहा था बुकमार्क क्रिएट हो रहा था पुराना वैल्यू के साथ नया वैल्यू ऐड होके एज ए लिस्ट, एंड उसके बाद इधर मैंने एक नोटिफायर में अलर्ट शो कर दिया आप लोग देख सकते हैं कि एडेड टू यहाँ पे बुकमार्क एडेड आप लोग देख ही सकते हैं। एंड अभी चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन का तो समझ में आ गया होगा सारा लॉजिक, आशा करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा आपका स्क्रीन टू का। अभी चलिए स्क्रीन थ्री पे चलते हैं, एंड स्क्रीन थ्री पर डिजाइन छोटा मोटा है, डिजाइन पार्ट में कुछ नहीं है, आप लोगों को डिजाइन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट व्यू लिया है, एंड लिस्ट व्यू के नीचे आप लोग देख सकते हैं एडमॉप का बैनर एड का कॉम्पोनेंट है और कुछ नहीं, उसके साथ टाइनी डीबी क्योंकि टाइनी डीबी के अंदर हम लोग का बुकमार्क का सारा चीज स्टोर हो रहा था, उसके साथ शेयरिंग कॉम्पोनेंट एंड डिवाइस टूल कॉम्पोनेंट एंड एक नोटिफायर कंपोनेंट। तो अभी देखिए स्क्रीन थ्री जब इनिशियलाइज होता है तो सिंपल मैं एडमॉप बैनर ऐड को लोड कर रहा हूँ एट फर्स्ट। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैं लिस्ट का जो एलिमेंट है तो लिस्ट व्यू का एलिमेंट में मैं सेट कर रहा हूँ क्या टाइनी डीबी से मैं बुक टैग से वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, एंड अगर कोई भी वैल्यू नहीं रहा तो यहाँ पे देखिए अगर कोई वैल्यू नहीं रहा तो मैंने क्या किया यहाँ पे नो बुकमार्क येट नो एडेड येट नो बुकमार्क एडेड येट, एंड इसको मैंने ऐसे लिस्ट क्रिएट किया ताकि हम लोग का लिस्ट व्यू एलिमेंट के अंदर ये वाला चीज ऐड हो पाए। अगर आप ये वाला चीज को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करते तो ये एज ए स्ट्रिंग रहता, तो अगर आपके बुकमार्क में कुछ भी स्टोर नहीं है तो आपको यहाँ पे एरर शो हो जाता, तो ये चीज मैंने इसलिए किया ताकि ये एज ए लिस्ट ट्रीट हो। उसके बाद देखिए लिस्ट व्यू हम लोग का जब पीक होता है तब मैंने नोटिफायर में एक कस्टम चूज डायलॉग यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आईडी देखिए मैंने जीरो रखा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड उसके बाद देखिए इसका जो टेक्स्ट है उसमें मैंने लिस्ट व्यू का जो भी सिलेक्शन रहेगा जो भी सिलेक्शन के अंदर टेक्स्ट आएगा वो वाला यहाँ पर शो हो जाएगा मैसेज के अंदर। एंड उसके बाद देख सकते हैं कि टाइटल में मैंने रखा है यहाँ पे बुकमार्क, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर दो बटन क्रिएट किया है, एक कॉपी बोल के बटन एंड दूसरा बटन है हम लोगों का शेयर वाला बटन, ताकि हम लोग इस चीज को कॉपी एंड शेयर कर पाए, एंड क्लोज वाला बटन का नाम दिया है मैंने क्लोज। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आईकॉन पे रखा है लोगो डॉट पीएनजी जो हमने स्टोर किया था। एंड अभी देखिए जब हम लोग का लिस्ट व्यू का आइटम चूज होता है तब मैं क्या किया, अगर चूज आइटम इक्वल टू कॉपी होता है तो देखिए सिंपल मैंने जैसे पहले किया था स्क्रीन टू पे, तो सिमिलरली इधर भी मैंने किया, मैंने लिस्ट व्यू का जो भी सिलेक्शन रहेगा वो वाला टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर दिया। टोस्ट मैसेज तो सो नहीं होता मेक्रोइड में, तो इसलिए मैंने नोटिफायर एक अलग से लेके यहाँ पे मेरा मैसेज शो कर दिया कि कॉपी टू क्लिप बोर्ड। उसके बाद शेयर बट ऑप्शन के लिए सिंपल जैसे मैंने किया था शेयर में मैसेज में मैं लिस्ट व्यू का जो भी सिलेक्शन रहेगा वो वाला चीज हम लोगों का चले जाएगा शेयर का मैसेज ऑप्शन में। तो यही था सारा चीज, बहुत ही सिंपल एंड आसान है, आशा करते हैं आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर सारा चीज समझ में आ गया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड अपने अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट तो जरूर करना क्योंकि मैं कमेंट से ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक को पिक करने वाला हूँ, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।